करसन भाई पटेल भारत देश के जाने माने उद्योगपति एवं निर्मा समूह के संस्थापक। वर्ष 1969 में एक छोटे से कमरे से निर्मा पाउडर का व्यवसाय शुरू करने के बाद इस मेहनती इंडस्ट्रियलिस्ट ने करोड़ों रुपए का कारोबार खड़ा किया। करसन भाई पटेल ने जब इस उद्यम की शुरुआत की तब वह नौकरी भी करते थे। सुबह काम पर जाने से पहले वो उत्पाद की बिक्री करते और शाम को काम खत्म करने के बाद निर्मा डिटर्जेंट का निर्माण। बिजनेस करियर में असाधारण सफलता पाने वाले इस महानुभाव को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री भी मिल चुका है। वर्ष 2004 के अंत तक करसन भाई की निर्मा कंपनी 14,000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाली कंपनी बन गई थी। आज निर्मा कंपनी का नेटवर्क करीब 400 वितरकों और 2,00,000 से ज्यादा खुदरा व्यापारी दुकानों में शुमार है। इस तरह यह कंपनी देश भर में छोटे से छोटे गांव, क्षेत्र और कस्बे में अपने उत्पाद पहुंचाने में सक्षम हुई है। तो आइए दोस्तों इस गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट की जीवनी पर बात करें। करसन भाई पटेल का जन्म 13 अप्रैल 1944 के दिन हुआ। उनके पिता का नाम खुड़ीदास पटेल था। उनका जन्म स्थान मेहसाणा, गुजरात है। करसन भाई एक सामान्य किसान परिवार के बेटे हैं। उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा मेहसाणा का ही एक स्थानिक शिक्षा केंद्र में संपन्न की। इसके बाद 21 वर्ष की आयु में उन्होंने बीएससी रसायन शास्त्र में बीएससी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के बाद करसन भाई ने न्यू कॉटन मिल्स की एक प्रयोगशाला में सहायक के तौर पर भी काम किया। इसके बाद उन्हें गुजरात सरकार के खनन एंड भू विभाग में अच्छी नौकरी मिली। करसन भाई के मित्र और सगे संबंधी उन्हें के पटेल भी कहते हैं। उनकी बेटी का नाम निरुपमा और बेटे का नाम हीरेन पटेल है। उनके एक पुत्र और भी है, राकेश पटेल। अब बात करते हैं उनके बिजनेस और करियर की। बिजनेस वर्ल्ड में खुद को एक काबिल उद्यमी के तौर पर स्थापित करने का सफर करसन भाई ने घर से ही शुरू किया था। उन्होंने अपने घर के पीछे वाले भाग में निर्मा डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने ये काम अपनी जॉब को करते हुए किया। इस तरह उनका यह साहस सराहनीय बना। उन दिनों डिटर्जेंट का एक पैकेट का भाव करीब करीब 12 रुपए था, पर करसन भाई वैसा ही पैकेट 3 रुपए में बेचते थे। वे सुबह नौकरी पर जाने से पहले अपनी साइकिल पर 15 से 20 पैकेट निर्मा डिटर्जेंट बेच देते थे। कम दाम और अच्छी गुणवत्ता ने उनके इस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत जल्दी ही वैल्यू बढ़ा दी। करीब 2 से 3 साल तक उन्होंने यह बिजनेस का तरीका जारी रखा। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का अहम फैसला लिया। अब बिजनेस में ही उन्हें अपना सुनहरा भविष्य दिखाई देने लगा था, इसलिए उन्होंने अहमदाबाद शहर के पास एक फैक्ट्री की शुरुआत की, जहां बड़े पैमाने पर निर्मा पाउडर बनाया जा सके। इस तरह धीरे धीरे निर्मा ब्रांड क्षेत्रीय प्रसिद्धि से ऊपर उठकर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में मशहूर होने लगा। करसन भाई अब पूरे देश को संभावित मार्केट के रूप में देख रहे थे। अच्छी क्वालिटी और कम कीमत के कारण ही उनकी शाख जो पहले भी अधिक बन चुकी थी वो और बढ़ने लगी। लेकिन अब भी उनके पास दूर बसे लोगों तक अपने इस प्रोडक्ट की बात को पहुंचाने का माध्यम नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने विज्ञापनों का सहारा लिया। अब वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टीवी और रेडियो विज्ञापन के पीछे खर्च करने लगे। ऐसा करने से उनकी बिक्री दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ने लगी। निर्मा कंपनी ने मार्केट में ऐसा ग्रोथ दिखाया कि अगले 10 साल में करसन भाई पटेल की निर्मा डिटर्जेंट और निर्मा टॉयलेट साबुन भारत में सबसे अधिक बेचे जाने वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बन गए। देश में सफल कारोबार चलाते हुए करसन भाई ने अब बांग्लादेश में भी एक संयुक्त उद्गम स्थापित कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने चाइना, अफ्रीका और बाकी अन्य एशियाई देशों में भी अपना कारोबार फैलाना शुरू किया। आने वाले समय में उन्होंने अमेरिका में स्थित कच्चे माल की कंपनी सिलर्स वैली मिनरल्स इंक का अधिग्रहण किया। इस तरह निर्मा विश्व के अग्रणी सोडा और ऐश उत्पादक कंपनियों में से एक बन गई। अब निर्मा एक संपूर्ण भारतीय ब्रांड के तौर पर स्थापित हुई, जो देश प्रदेश में कारोबार कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला भी कर रही थी और समस्त विश्व के ग्राहकों का दिल भी जीत रही थी। बिजनेस और व्यापार में ज्वलंत सफलता हासिल करने के साथ साथ करसन भाई पटेल सामाजिक कार्यों में भी आगे रहे। उन्होंने 1995 में अहमदाबाद शहर में निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इस कल्याणकारी योजना के बाद उन्होंने एक प्रबंधन की भी स्थापना की। कुछ समय बाद ये दोनों संस्थाएं निर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्वामित्व में आ गई। इस ऑर्गेनाइजेशन को निर्मा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से संचालित किया जाता है। निर्मा कंपनी साबुन, डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन,
सोडा एश, नमक और चिकित्सक के एंटीबायोटिक्स पर काम करती है। वर्ष 2007 के आकलन के अनुसार कंपनी ने 5524 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम भी 632 करोड़ रुपए रही है। वर्ष 2017 के कैलेंडर वर्ष में इस कंपनी की नेट इनकम 440 करोड़ रुपए हुई थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं करसन भाई को मिले कुछ सम्मानों की और पुरस्कारों की। वर्तमान समय में निर्मा भारत में साबुन बाजार में कुल बिक्री का 20% हिस्सेदारी रखता है और निर्मा पाउडर करीब 35%। वर्ष 1990 में गुजरात वाणिज्य और उद्योग चैम्बर द्वारा करसन भाई को उत्कृष्ट उद्योगपति का सम्मान दिया गया था। 1998 में ही गुजरात सरकार द्वारा गुजरात व्यवसायी पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इसी वर्ष कॉरपोरेट गवर्नेंस उत्कृष्टता का पुरस्कार भी करसन भाई को प्रदान किया गया। 2001 में करसन भाई पटेल को फ्लोरिडा अटलांटिक विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई और 2010 में भारत सरकार की तरफ से करसन भाई पटेल को पद्मश्री सम्मान दिया गया। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।